तो सियासत पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है प्रियंका गांधी की एंट्री से, इस पर हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। घनेन्द्र भारद्वाज प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ हैं खेमचंद शर्मा बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके अलावा एस के दत्ता जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अजय प्रकाश भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले कांग्रेस से घनेन्द्र जी, 30 साल लग गए हैं यहाँ पर कांग्रेस को सत्ता वापसी के लिए, अब अकेले फ्रंट फुट पर खेलना चाह रही है कांग्रेस, क्या लगता है प्रियंका गांधी की एंट्री कितना प्रभाव डालेगी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका जी का आना कांग्रेस के लिए बहुत शुभ संकेत है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की शुरू से एक भावना थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका जी सक्रिय रूप से राजनीति में। प्रियंका जी रायबरेली अमेठी का काम तो देख ही रही थी, लेकिन देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक डिमांड थी, एक मांग थी कि प्रियंका जी को आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रूशियल है। इस टाइम में देश में जो सरकार चल रही है वो सरकार ऐसे लोगों की चल रही है जो देश को ख़त्म करना चाहते हैं, देश की जो संरचना है उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। लोकतंत्र पर रोज हमले होने, कभी CBI के ऊपर, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी न्यायपालिका के ऊपर, देश में इस टाइम लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। तो ऐसे टाइम पे प्रियंका जी का आना निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छी बात है और भारत देश के लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि प्रियंका जी आई हैं और राहुल जी के साथ मिलकर इस तानाशाही सरकार को हटाने में प्रियंका जी अपना सहयोग करेंगी। आज ही आपने देखा कि 22 स्टेटों से ये इस चीज़ की ऑफिशियल डिमांड आ गई कांग्रेस में कि प्रियंका जी की पहली मीटिंग हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। प्रियंका जी एक करिश्माई नेतृत्व है, प्रियंका जी जिस फैमिली से आती हैं उस फैमिली का एक इतिहास है बलिदान का, और प्रियंका जी एक आकर्षक चेहरा है, हमारी नेता हैं, और निश्चित तौर पर उनके आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम है। भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा कि 2019 में उनका बुरा हाल तो होना ही था, लेकिन बुरे से बुरा हाल होगा, नींद हराम है। और ये बात भी है कि कल से लेकर अगर आज तक देखा जाए, प्रियंका गांधी का नाम जैसे सामने आया है, आप भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासी भूचाल मच गया है। देखिए, हम प्रियंका वाड्रा जी का स्वागत करते हैं और उनको विश करते हैं कि वो अपने राजनीतिक जीवन में अच्छा करें, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रियंका जी की ये सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि वो पार्टी में काम करेंगे, लेकिन वो पार्टी में 15 साल से लगी हुई हैं और अपने परिवार के लिए लगातार यूपी में काम कर रही हैं। आपने देखा होगा अमेठी और रायबरेली का काम वही देख रही हैं, और आज अमेठी और रायबरेली का हालात ये है कि वहाँ पर इनके दोनों नेता जो बड़े नेता हैं वो हारने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने प्रियंका का, क्योंकि अपने इनको कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना था, उनको कुछ नयापन देना था, इसीलिए प्रियंका वाड्रा जी की उन्होंने एंट्री की। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी के आने से हमें तो फायदा है, उनके जो पति ने जो घोटाले किए, उन्होंने जो लैंड ग्रैबिंग की, उन्होंने जो सत्ता का सुख भोगा, देखिए उसका वो सारा गांधी की बात करें तो उनके प्रियंका गांधी नहीं जी, वाड्रा कांग्रेस हमेशा से कंफ्यूज करती आई है। गांधी नाम कहां से आया, देखिए ये सभी जानते हैं, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज प्रियंका वाड्रा है और हमें प्रियंका वाड्रा ही नाम यूज करना चाहिए, अंटर अनलेस वो उसको डिसोन करें कि मैं वाड्रा के नाम को डिसोन करती हूँ और उसको यूज नहीं करना चाहती। छोड़िए, यहाँ पर अभी आप प्रियंका की अगर बात करें तो कोई उन पर कोई आरोप नहीं है, उनकी जो छवि है ना, आरोप क्या, सबसे बड़ा आरोप जो लेडी अपने हस्बैंड को करप्शन करने से नहीं रोक पाती, जो लेडी अपने हस्बैंड को सत्ता का सुख लेने से नहीं रोक पाती, जो लेडी अपने हस्बैंड को देश के संसाधन को लूटने से नहीं रोक पाती, वो दूसरे नेताओं को कैसे रोक पाएगी, कैसे वो देश को चला पाएगी। देखिए, बीजेपी के कांग्रेस के परिवार में बड़ा फर्क है, बीजेपी में जो भी हमारे परिवार के बच्चे आए उन्होंने पहले काम किया, काम करने के बाद उनको पद दिया, पद भी छोटे पद से उनको ऊपर पहुंचाया गया, महासचिव का मतलब है कि सीट नंबर टू। और उन्होंने क्या किया अभी तक, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, उन्होंने कोई काम किया नहीं, उन्होंने कोई जनता के लिए कोई रेवोल्यूशनरी कोई आंदोलन किया नहीं, उनका क्या अचीवमेंट, देखिए बोल रहे थे जिस तरीके से वो प्रियंका जी को ग्लोरीफाई कर रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे राजा महाराजाओं को उनके दास दासियां ग्लोरीफाई करते थे, देखिए इनके दादा ने ये किया, उनके जवाब लंबी बात वैसा ही जवाब देने, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें खुशी है
क्योंकि प्रियंका जी के आने के बाद जो वाड्रा का जो पूरा ब्लैक बॉक्स अभी तक वाड्रा को आप क्यों बीच में ला रहे हैं, सामने आएगा बीच में आएगा। वाड्रा जी हस्बैंड ने, वाड्रा जी ने सारा लूट किया है, वाड्रा जी ने सत्ता का सुख भोगा है, तो वाड्रा जी तो बीच में आएंगे। जवाब सुनने जवाब सुनने की आदत है कि नहीं है खेमचंद जी, है ना? थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? आपने बड़े सारे आरोप लगा दिए। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने सुन चलो अब सुन लो, आरोप हम लगाएंगे, अरे आरोप नहीं लगा, अभी तो सिर्फ सच्चाई बोलिए। दिक्कत आप लोगों के साथ क्या, आरएसएस वालों के साथ, आपको सुनने की आदत नहीं है, आप सिर्फ बोलना चाहते हो। वन वे कम्युनिकेशन तो बोल रहे हैं, नहीं वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, ये मोदी जी का डीएनए की वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। कंफ्यूज, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप बात रखें। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, उसमें भी डिस्टर्बेंस कर रहे हो। ये लोकतंत्र है, हमें भी अपनी बात रखने का हक है। ऐसा थोड़े कि पार्लियामेंट में भी बोलने दोगे आप, टीवी डिबेट में भी नहीं बोलने दोगे। अरे हमें भी लोकतंत्र में अधिकार है, हमें भी बार-बार को हक है, वही वाली बार-बार को हक है। आप या तो पहले आप बोल लो, उसके बाद मैं बोल लूंगा। अगर सुनने मैंने बोला, सुनने की आदत डालो। आरएसएस का डीएनए मुझे पता है कि आप लोगों में पेशेंस, डीएनए की बात ना करें। अरे डीएनए की बात क्यों नहीं करेंगे? मैं भी बहुत सारी बातें बोल सकता हूं। आप सुनना नहीं चाह रहे क्या है? कोई भी कांग्रेस का दूसरा नेता नहीं, आप बोलो, पहले नेता हो सकते, पहले खेमचंद जी आप से अध्यक्ष, एक घंटा आप ही बोल लो। अरे आपके बोलने से, आपके बोलने से आपकी सीटें बच रही हो, आपकी सरकार बच रही हो तो बता देना। आपके यहाँ बोलने से कुछ नहीं हो रहा, आपके यहाँ बोलने से कुछ नहीं हो रहा। आपकी सरकार जा रही है 2019 में तय है। आप बोल लो, तेज तेज बोल लो, चिल्ला चिल्ला के बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देश के लोगों ने 56 महीने में आपका कैरेक्टर देख लिया है, आपका चरित्र देख लिया है। 25 राज्यों से रिक्वेस्ट आई है कि प्रियंका जी का भाषण सुनना है, प्रियंका जी की रैली सुननी है, तो अध्यक्ष तो क्या करते हैं? प्रियंका जी का देखिए सबसे ज्यादा फौजी है, जिस पार्टी का अध्यक्ष की फैसला हो रही हो उनको चिंता कर रही है, हमारी चिंता ना कर। आप कल से आज आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की एंट्री आने से क्या सियासत में आपको बदलाव नजर क्या लगता है, क्या बदलाव आप नजर आएगा? पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा सा शांति से शांति से बात सुनने, जरूर मैं अपनी बात रख पाऊंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको तो और गंभीरतापूर्ण सुनने की आवश्यकता है। फुट पे तो है बेशक, अब बैक फुट पे है या फ्रंट फुट पे है वो तो 2019 का नतीजा बताएगा कि कौन कितने फुट पे है। हाँ ये ज़रूर है कि प्रियंका वाड्रा जी के आने से, वाड्रा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे देश की परंपरा, हजारों साल पुरानी परंपरा के हिसाब से मैं ये बात रख रहा हूँ। वहाँ पे जब एक लड़की की जब शादी होती है तो ससुराल के जो लीनिएज है उसको माना जाता है, उस चीज़ का सम्मान करते हुए मैं ज़रूर ये बात रखूँगा कि प्रियंका वाड्रा के आने से यूपी के राजनीति में खलबली तो मची है, इस पर कोई दो राय नहीं है। खलबली हवाई है या फिर समुंदर की तरह गहरा है ये 19 का नतीजा बेशक बताएगा। पर जहां बात आती है प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक इतिहास के साथ साठगांठ, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी रहा है। आपको याद होगा 2014 की जब लड़ाई हुई और जब नरेंद्र मोदी जी जब अलग अलग प्रांतों में जब वो रैली कर रहे थे, खास करके यूपी के परिपक्ष में, यूपी पे जब रैली कर रहे थे तो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था, जिसके चलते एक विवादित बातों के चलते प्रियंका वाड्रा सुर्खियों में भी आई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जो बातें कही थी, और उस पर कहीं ना कहीं पे उन्होंने माफी भी मांगा था, आपको अगर याद है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं जरूर कहूंगा कि राजनीति में तो प्रियंका वाड्रा शुरू से ही सक्रिय है। अब यह जरूर है कि देर से सही पर मोहरा लगा है उस पर। मोहरा लगने के बाद केवल भाजपा के अंदर खलबली नहीं है इस चीज को लेके, खास करके जो साइकिल पे जो एक हाथी बैठी है उस पर भी कहीं ना कहीं पे खलबली जरूर है। और खलबली इस बात की है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला कुछ कुछ जगहों पे आंशिक रूप से हो सकता है। मैं पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि कांग्रेस की जो प्रदेश की जो यूनिट है यूपी के परिपक्ष में वो कहीं ना कहीं पे है ही नहीं आज के डेट में,
उसको रिवाइव करने की बहुत आवश्यकता थी। राहुल गांधी जी अगर पहले अगर उस चीज को रिवाइव किए होते प्रदेश के यूनिट को तो शायद गंभीर मुकाबला होता 19 की लड़ाई। पर आंशिक मुकाबला भी अगर देखा जाए, आंशिक मुकाबला में यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की अगर वोट प्रतिशत अगर बढ़ जाती है 7.5% से ऊपर अगर जाती है, कुछ ना कुछ डैमेज तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर करेगी ये वोट प्रतिशत के चलते। पर कहीं ना कहीं पे ये जो लोकल लेवल पे जो एक बंधन बना है सपा बसपा का, वो बंधन पे भी कहीं ना कहीं पे एक गहरा चोट। बिल्कुल, हम अजय जी से भी उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, आपका क्या कहना है, कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि एक तरफ तो एसपी बीएसपी गठबंधन है, हालांकि राहुल गांधी ने अपनी बात जरूर रखी कि उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। अब आप कैसे इसको देख रहे हैं, इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? देखिए, जहां तक सवाल प्रियंका जी को बनाने का है महासचिव, मेरा सवाल वही है कि एक जन नेता को महासचिव का पद दिया जाना चाहिए, न कि चांदी के मुंह में चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों को सियासत के सिरमौर बना देना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय राजनीति की पूरी परंपरा ही चांदी के मुंह में चम्मच लिए हुए लोगों की है, इसलिए क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, सब एक जैसी हालत है। तो हो ये रहा है कि जो मुद्दों की राजनीति है, जैसे आपके यहाँ जो बहस कर रहे थे दोनों प्रवक्ता जी, उन दोनों प्रवक्ताओं से लेकर पूरी राजनीति में ये बहस गायब है कि मुद्दा क्या है चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान का मसला, युवा का मसला, गरीबी का मसला, भुखमरी का सवाल, ये कहीं भी काउंटडाउन में नहीं आता है, बहसों में नहीं आता है, पत्रकार इस पर जिक्र नहीं करते। वो लगातार इन बातों पर बहस करते हैं कि क्या तिकड़म है। ये चुनाव जनता के लिए होते हैं, तिकड़मों के लिए नहीं होते। भारतीय राजनीति की पूरी जो प्रक्रिया है और पूरी जो बहस है उसको खींच के जो है वो ले जाके वहाँ खड़ा कर दिया गया है जहाँ की सिर्फ और सिर्फ सियासतदान की बात होती है। सही है, यही बात आ रही है कि राहुल गांधी ने भी जैसा कि कल कहा कि यहाँ पर हम प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए सामने लाए हैं कि जनता के बीच जाएं, युवा के बीच जाएं। गांधी जी, क्या अब आगे की रणनीति रहेगी? क्योंकि अभी तक राहुल गांधी युवाओं को लेकर चलने की बात भी करते रहे हैं, किसानों की भी बात करते रहे हैं, लेकिन प्रियंका के आने से अब कितना आपको सपोर्ट मिल सकता है? क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी ने यूपी का जिक्र नहीं किया बल्कि ओवरऑल इंडिया की वो बात कर रहे थे। पहले खेमचंद जी से बात ले लूं, मुझे लग रहा है नहीं, 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 आप खेमचंद जी कर रहे हैं, नहीं, नहीं, बार बार टोक देते हैं। आप अपनी बात तो रखिए, अरे नेता की तरह कंफ्यूज मत। नहीं नेता यार, फिर वो वाली बात, मैं आपसे इजाजत मांगी थी, बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से मांगी थी कि आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूं। सर आप बात रखिए। नहीं मैं बात रख रहा हूँ, आप शांत रहेंगे थोड़ी देर के लिए? मैं शांत हूँ, आप बात शांत रहिए, पहले भी शांत। हाँ प्रियंका, दीपाली जी, आपने जो प्रियंका जी की बात करी, निश्चित तौर पर देश में विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। मैं जो हमारे साथी बैठे अजय प्रकाश जी, उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। हम चाहते हैं कि देश में हर चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे हो, हर चुनाव उस बात पे हो कि देश के लोगों को कैसे आगे लेके जाना है, देश से कैसे गरीबी मिटानी है, देश को कैसे डेवलपमेंट की राह पे लेके जाना है, कैसे नौजवान को रोजगार मिले, कैसे किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, कैसे महिलाओं को सम्मान मिले, कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये तमाम मुद्दे, देश के मुद्दे, हम चाहते हैं कि मुद्दों पे चुनाव हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। हम कह रहे हैं कि 56 महीने में आप अपनी सरकार का जो भी लेखा जोखा वो लेके आओ, आप बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया, आप बताओ किसानों की आय कितनी डबल हुई, आप बताओ किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं कम हुई, आप बताओ कि अर्थव्यवस्था की हालत आज इतनी खराब क्यों है कि जब डॉलर 72 रुपए में पहुंच गया, आप बात ही नहीं करना चाह रहे। आप सिर्फ बात इसी बात पे करते हो कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अरे मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से बाहर आओ। देश के लोगों ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप आके डिवीजन की पॉलिटिक्स करो। देश के लोगों से आपने वायदा करा थे कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिनों के नाम पे आपने देश के लोगों को ठगा है। आज अच्छे दिनों के नाम पे देश के लोगों को लूटा जा रहा है। नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से आपने देश की कमर तोड़ दी। नोटबंदी के जब हुई और जीएसटी जब आया, हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। आज देश में नौजवान परेशान है, आपसे क्या मांग रहा है देश का नौजवान? एक नौकरी तो मांग रहा है, लेकिन आप उसको नौकरी
सैलरी नहीं दे पा रहे, लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी जो बेरोजगार हो चुकी थी, जो 45,000 कर्ज के करोड़ के कर्ज में डूबी हुई थी, उसको आप राफेल का पार्टनर बना दे तो ऑफसेट पार्टनर बना दो, 30,000 करोड़ रुपया देश के टैक्स पेयर का लेके आप अपने दोस्तों को दे देते हो, अपने दोस्तों को सेफ एक्सिट देते हो। अरुण जेटली साहब समाप्त हो गया हो उसका पासपोर्ट की बात रखूं मैं, वही कह रहा हूँ सुन लो, देखिए पर्ची लेके आए राहुल जी की तरह, अपने दोस्तों को जो देश का टैक्स पेयर का पैसा लूटा हुआ लेके जा रहे हैं, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, कितना असर पड़ेगा प्रियंका का ये बात में जिक्र करें, लेकिन देश में सरकार कैसी चल रही है आप बात करो ना जवाब दो, डिलीवरी के नाम पे आप जीरो साबित हो, आप डिबेट जब आपसे होती है आप कहीं ना कहीं गांधी परिवार, अरे रॉबर्ट वाड्रा जी ने सब कुछ करा हुआ, 56 महीने से आपकी सरकार थी, आप बताओ सिंगल भी FIR हुई हो, कहीं चार्जशीट हुई हो, हिंजल जी क्या अभी ये चुनाव भी ऐसा ही होने वाला है, इनका बात समाप्त हो गया तो बात रखता हूं, इन्होंने मैं इनका धन्यवाद कहना चाहता हूं, इन्होंने बोला रॉबर्ट वाड्रा ने सब कुछ किया, देखिए राहुल गांधी सोनिया गांधी जी पेरोल पे हैं, वो जमानत पे है, जल्दी ही वो जेल में जाने वाली है, इसीलिए प्रियंका गांधी को लाए, रही बात डिलीवरी की, हम डेली डिलीवरी की बात करते हैं, पिछले 15 महीने में 75 लाख जॉब सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरेट हुई है, 48% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब जनरेशन का रेशो वो बढ़ा है, हर सेक्टर में हमने डिलीवरी की है, आप गरीबी की बात करते हैं, देखिए पंडित नेहरू ने गरीबी हटाने की बात की, इंदिरा जी ने गरीबी हटाने की बात की, राजीव जी ने भी गरीबी हटाने की बात की, लेकिन गरीबों को हटा दिया, आप लोग कहते कुछ है करते कुछ है, आपके बारे में क्या ये चुनाव भी ऐसे ही रहने वाला है, एक मिनट आप मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, देखिए हमने 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 देश की इज्जत को आगे बढ़ाया है, आज आप किसी NRI से पूछिए, आज वो सीना चौड़ा करके सामने खड़े होकर बात करता है, पहले पहले विदेशों में क्या होता था, भारत को एक गरीब मुद्दा ही डाइवर्ट हो रहा है जी, यहाँ पे पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, जवाब दो, डेवलप कंट्री के रूप में जाना जाता है, इज्जतदार देश के रूप में जाना जाता है, देखिए इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, ये अंबानी की बात करते हैं, अंबानी को पहला किसने किया, कांग्रेस के शासन में अंबानी बना, कांग्रेस के शासन में अंबानी बना, कांग्रेस के शासन में रिलायंस कंपनी के डेवलपमेंट किया, और अपना जो ग्राफ है ऊपर बढ़ाया, ये आज अंबानी की बात करते हैं, एक मिनट मुझे सवाल, मुझे अपना सवाल नहीं लेना, पूरा ऑफसेट नहीं है खेमचंद जी, मुझे मेरा सवाल नहीं, क्या इस बार भी का भी चुनाव बस इसी पर होने लगा, डेवलपमेंट में होगा, हमारा जो मुद्दा है डेवलपमेंट का मुद्दा हमने किया है, हमने सेक्टर में किया है, हमने किसानों के लिए किया, हमने युवाओं के लिए किया, हमने देश के लिए किया, हमने डिफेंस के लिए किया, हमने महिलाओं के लिए किया है, हमने क्योंकि मुद्दा ही नहीं किया है, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, 5 साल में एक छोटा सा आरोप हमारे पीएम पे नहीं लगा पाए, आज ये फ्रस्ट्रेटेड है, इनका नेता परेशान है, जेल जाने वाला है, इसीलिए अपना सब्स्टिट्यूट बुलाया गया है, और सब्स्टिट्यूट से हम घबराने वाले नहीं है, क्योंकि ना इनका मेन प्लेयर कुछ करने वाला है, नहीं सब्स्टिट्यूट कुछ करने वाला है, देखिए ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, कैसे नेता अपने जाएंगे आप दोनों, हम डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, हम आगे जाके चुनाव लड़ने वाले हैं, हर सेक्टर में हमने काम किया है, पीएम की छवि आज आज विश्व के सर्वोत्तम नेताओं की छवियों में से एक है, अरे धूमिल आपकी छवि हो चुकी है, आपके नेता की छवि हो चुकी है, उसको सभी पप्पू कहते थे, पप्पू साबित हो गया, आज आपने बोला 25 राज्यों में पप्पू को कोई नहीं बुला रहा, सिर्फ प्रियंका गांधी को बुला रहा है, आपका नेता पप्पू साबित हुआ है, हमारा नेता आज अपने देश में भी पॉपुलर है, पूरे विश्व में भी पॉपुलर है, हम काम में विश्वास रखते हैं, आप लोग झूठ बोलने में विश्वास रखते हो, हमारा काम दिख रहा है, काम लोगों को महसूस हो रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग खुश हैं, सिर्फ आप परेशान हैं। दत्ता जी यहाँ तो पूरा पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं रखने की बात हो रही, यहाँ पर जनता के बीच कैसे खैर दत्ता जी क्या लगता है कितनी चुनौतियां होने वाली है प्रियंका के सामने में, क्योंकि वो पूर्वांचल से, क्योंकि उन्हें पूरा दिया गया है जिम्मेदारी, और ऐसे में एक तरफ मोदी है एक तरफ योगी है, प्रियंका के लिए कितनी चुनौती है और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है? कांग्रेस के लिए केवल यूपी के परिपक्ष में ही नहीं पूरे भारत के परिपक्ष में बहुत बड़ा चुनौती है 2019 का लड़ाई, चुनौती इस बात के लिए है क्योंकि 2-3 बुनियादी चीजें इसके पीछे हैं। पहला तो ये है कि राष्ट्रीय लेवल पे जो चुनाव होने जा रहा है उस राष्ट्रीय लेवल के चुनाव में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से,
तो उनका जो प्रेसिडेंटशिप है, प्रेसिडेंटशिप का जनता क्या मोहरा लगाती है या नहीं, वो एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा विषय ये भी जरूर है कि मुझे खुशी इस बात की होती अगर जैसे प्रियंका वगैरह जैसे उतना सक्रिय नहीं थी राजनीति में, अच्छा होता अगर 19 का भी चुनाव अगर प्रियंका वगैरह उतना सक्रिय ना होके राहुल गांधी के कंधे पे लीडरशिप का बोलबाला देके कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती। उससे पता चल जाता कि राहुल गांधी के राजनीतिक सक्षमता पूरे देश भर में कितना है कितना नहीं है। जब वो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष में तो लगातार चुनाव हारे कांग्रेस पार्टी, एक एक करके प्रदेश के जितने सारे चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जो हाल ही में जो तीनों चुनाव हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों चुनाव बेशक कांग्रेस पार्टी ने जीती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश कांटे का मुकाबला रहा है। वोट प्रतिशत के हिसाब से भाजपा आगे है कांग्रेस से, पर सीटों के हिसाब से कांग्रेस आगे है। अब इसके साथ साथ अब आ रहा है 19 का चुनाव। 19 का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा के तरफ से दो सक्रिय स्तंभ है, एक तो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जिन्होंने मतलब कि वो कहते हैं ना कि राजनीति में टेस्ट होना, राजनीतिक अखाड़े में टेस्ट होना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनकी तो लगातार टेस्टिंग हुई है। राहुल गांधी की उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो पाई है क्योंकि अध्यक्ष वो अब हाल ही में बने हैं। असली टेस्टिंग अब होती जब जो 2019 की चुनाव होती। खैर, अब प्रियंका वगैरह आ गई है। मैं समझता हूं कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, खास करके जिसको हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल में बेशक कहीं ना कहीं पे खलबली जरूर मचेगी, पर खलबली ये क्या हवाई खलबली होगी या फिर हकीकत में होगी, ये तो नतीजा बताएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि मेरा मानना है कि रायबरेली और अमेठी की जो फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में लोगों की अलग अलग तरह की राय है रायबरेली और अमेठी को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पुश्तैनी जागीरदारी है कांग्रेस पार्टी की, केकवाक है कांग्रेस के लिए। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि रायबरेली और अमेठी में कहीं ना कहीं पे दिक्कत है, पर महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि राजनीतिक अखाड़े पे जो बुनियादी जो चीजें हैं जनता की, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गवर्नेंस हो, शासन हो, कुशासन हो, तमाम चीजें हो, राम मंदिर का भी एक मुद्दा है, ये सारी चीजों पे अगर चुनाव लड़ा जाता तो बेहतर होता। पर दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि आरोप प्रत्यारोप के सिवा हमारे देश के राजनीति में आज के डेट में कुछ चलता नहीं है, और जनता की जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पे डाइल्यूट हो जाता है। अजय जी, अभी तक ये बात सामने आती थी कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है कांग्रेस में, कौन लीड कर रहा है, राहुल गांधी है, लेकिन और भी अगर चेहरे की बात की जाती थी कोई नहीं रहता था। अब प्रियंका गांधी की अगर बात करें, बहुत दिनों से चल रहा था कि भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें तो एक अलग ही जोश अब दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? और दूसरी बात यह है कि प्रियंका आ गई तो राहुल कैसे फेल हो गए, वो कैसे असक्षम हो गए? देखिए, दोनों दो बातें हैं। पहली बात ये कि राहुल या प्रियंका कोई व्यक्ति की वजह से बड़ी चीज़ नहीं होंगे, बल्कि मोदी का जो किया धरा है पिछले 5 वर्षों में, जो वादा खिलाफी है, जो किसानों नौजवानों के मसलों को झूठ बोलना है और रोजगार के सवाल पर झूठ बोलना है, महंगाई के, उन सब के परिणाम के तौर पर जनता मोदी सरकार के खिलाफ है। ऐसे में प्रियंका चाहे हों चाहे राहुल हों, दोनों बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, अभी पिछले वक्ता कुछ बोल रहे थे कि ब्राह्मण वेल्ट है, ब्राह्मणों की एक आबादी है, दलितों की एक आबादी है, और चूंकि सपा बसपा से कांग्रेस की फाइट फ्रेंडली फाइट है, तो जाहिर तौर पर यह पूरी चुनौती बीजेपी के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यह चुनाव भी हवा में लड़ा गया और व्यक्तित्वों पर लड़ा गया, जैसा बार बार आप जिरह कर रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, हमारा ये कहना है कि चुनाव व्यक्तित्वों पर लड़ने के बजाय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, सवाल उसी पर होने चाहिए, हिसाब उसी बात के पिछली सरकार से मांगे जाने चाहिए। तो ये जो प्रवक्ता लड़ रहे हैं आपस में झोंझों करते हुए, वो नहीं लड़ेंगे। वह जब आप मुद्दों पर बात करेंगी, जब सवाल मुद्दों पर होगा कि कहाँ गया 2 करोड़ का रोजगार, कहाँ है वो गोरखपुर की फैक्ट्री, एम्स कहाँ है, ठीक है, आपकी बात सही है, सवाल चुकी नहीं है, इसीलिए जवाब नहीं आ रहे हैं।
ऐसा कोई जादू का मंत्र लेकर नहीं आई हुई हैं प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, बल्कि वो दोनों नेता इस वक्त जनता के सवालों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी वो नेता है इस देश के जिन्होंने 2013 में अधिग्रहण कानून लागू कराया, जिसके बाद किसानों को भरोसा हुआ। तीन सरकारें जिन राज्यों में बनी हैं, इन तीनों राज्यों में जो राहुल गांधी ने वादे किए थे या उनकी सरकारों ने वादे किए थे, कमोबेश उसको लागू होने की तरफ बढ़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर एक वादे के साथ जनता चुनाव के साथ खड़ी होती है, मोदी सरकार ने जो धोखा दिया है उसके खिलाफ खड़ी हुई है। देखिए ये झूठ है, मैं इस पे बोलना चाहूँगा, झूठ बोला है। देखिए महंगाई की बात कर रहे थे, मैं आदर के साथ बोलना चाहूंगा, आप क्या न्यूज पढ़ते हो, क्या आप पेपर पढ़ते हो? सबसे कम महंगाई है भाई साहब, अभी पीछे आंकड़े आए आप देखेंगे 2.17, थोकने से नहीं, आप सब्जियां देखेंगे, आप दाल के रेट देखिए, आप खाने पीने का देखिए, सबसे कम महंगाई है 14% का, 14% महंगाई की कांग्रेस के राज में, 85% लोगों ने 5 साल के अंतराल में महंगाई समझ में आई है भाई साहब। बीजा मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, 6 करोड़ अपने मुद्दा के अंदर जब चाहना जी जवाब डेली अपना वो रिपोर्ट कर रहे जनता, आज भी उनको मोदी जी फिर से आने वाले हैं, दत्ता जी बोलिए, ज्ञानेंद्र जी एक सेकंड, मैं सारी बातें हमेशा तथ्यों के आधार पे बोलता हूँ, बिना तथ्यों के आधार पे कभी बोलता नहीं हूँ, कभी बोलता नहीं हूँ। आंकड़ों के हिसाब से मैं एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहली बात, मैं बेरोजगारी को मैं उठाता हूं सबसे पहले, और आंकड़ों के हिसाब से ही जवाब दूंगा। यूपीए सरकार और एनडीए सरकार और वाजपेयी जी की सरकार, तीनों सरकार का एक तरह से पूरा आंकड़ों का संतुलन करके मैं बताऊंगा ये चीज। अरे आंकड़े समझने का टाइम नियम आंकड़ों से ही जवाब देना है, बेरोजगारी का, बेरोजगारी का जवाब आंकड़ों से ही देना है, जीडीपी ग्रोथ रेट का जवाब भी आंकड़ों से ही देना है, महंगाई का जवाब भी आंकड़ों से ही देना है। ये सारे चीजें आर्थिक विषय है, आर्थिक विषय आर्थिक आंकड़ों से दिया जाता है, चिल्लाना भी मुझे आता है और मैं जाना भी चाहता हूँ। घर ने भरा राजू के चाहते हो कि मैं बताऊं ये सारी बातें। चिदंबरम सांप वोट ऑन अकाउंट के दौरान 2013 की मैं बात करता हूं, 2013-2014 की बात करता हूं, और मैं पूरा लोकसभा डिबेट को कोट करते हुए बताता हूं ये बातें। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 10 साल की यूपीए सरकार के दौरान छोटे और घरेलू उद्योग, लगभग 5 लाख छोटे और घरेलू उद्योग
बंद हो गए थे या फिर बंद होने के कगार में थे, बिल्कुल ये लोकसभा की बयान है चिदंबरम साहब की, लोकसभा की लोकसभा का बयान है। फिर उसके साथ चिदंबरम साहब ने ये भी माना था वोटों काम के दौरान, ये भी माना था मैं कतई कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, देश के सारे मशहूर चैनलों पर मैं जाता हूँ और मैं तथ्यों के आधार पर डिबेट करता हूँ। अगर इन्होंने अगर मोदी सरकार ने अगर 5 करोड़ की मोदी सरकार ने अगर 2 करोड़ जॉब की अगर वादा की थी, आपके यूपीए सरकार के मैनिफेस्टो में हर साल कहा गया था 1 करोड़ जॉब देंगे, 5 लाख जॉब दे पाएंगे, यानी कि 10 साल में 10 करोड़ जॉब देना था, वहां पे केवल 5 लाख जॉब दे पाए थे 10 साल में। इन्होंने अगर बेरोजगारी के मुद्दा पे एड्रेस नहीं कर पाए, आपने भी नहीं कर पाया एड्रेस, जहां बात आती है फूड इन्फ्लेशन की और आम इन्फ्लेशन की, आज अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए फूड इन्फ्लेशन और आम इन्फ्लेशन सबसे कम है। आप रुपए बात करो ना, आप रुपए बात करो, कांग्रेस ने पूरी इकोनॉमी को लूटा। अगर इनके कुछ आर्थिक नीतियों को सही नहीं मानूंगा, आपकी भी आर्थिक नीतियों को सही नहीं मान सकता। आपने भी वैसा ही किया था 10 साल में, आपने क्या किया था? आपने डॉलर की बात की ना, आपको याद है मनमोहन जी के सरकार के दौरान जब लास्ट 3 साल था 68 तक चला गया था रुपए और डॉलर, नहीं आप रूस का भी तो जवाब दीजिए ना, आरोप वाले एक एक करके जवाब दीजिए, यहाँ ना किसी का सवाल सुनने को मिल रहा है ना ही कोई जवाब दे रहा है, आधार पे बोलने ही नहीं दे रहे, कोई भी नहीं बोलने दे रहा, यहाँ पर मुद्दा ही गायब हो जा रहा है। यहाँ पर अगर वो अजय जी बोल रहे हैं कि एक व्यक्तित्व के आने से आम जनता का मुद्दे, तो सारी चीज गायब हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर प्रियंका सामने आती हैं और युवाओं के बीच जाती हैं, क्या मुद्दे रखेगी कांग्रेस? यहाँ पर तो आपस में लड़ाई आप कर रहे हैं, कोई बात ही सामने नहीं आ पा रही है। नहीं, हम तो बता रहे हैं, हमारी को आप बताइए किया था 10 साल में, आप जरा बता दीजिए ना दत्ता, आप जरा बता दीजिए ना, पूरे 10 साल में 5 लाख जॉब आपने क्रिएट किया था नया जॉब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यूपीए सरकार के, उन्होंने वोटों ने अकाउंट के दौरान बोला था। एक सेकंड, दूसरी बात यहाँ आती है, आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की, आपने आम इन्फ्लेशन की बात की, आपको याद है मनमोहन जी के सरकार के दौरान 17% था फूड इन्फ्लेशन, आम इन्फ्लेशन कैसे छुटला सकते इस चीज को, कैसे छुटला सकते इस चीज को? अनएम्प्लॉयमेंट को आप लोगों ने भी एड्रेस नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। आप अगर बात कर रहे हैं रुपए की और पैरिटी की, अजय जी से सवाल लेना है, अजय जी डॉलर के साथ मुझे अजय जी से सवाल लेना है। मैडम एक मिनट दीजिए, एक मिनट, मुझे अब अजय जी से नहीं, अब मुझे ये नहीं सुनना, मुझे अजय जी से भी एड्रेस किया है, ठीक है, डॉलर की बात क्विकली मैं चीज ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए डॉलर 44 था जब अटल जी सरकार छोड़ के गए और इनके राज में ही वो 68 तक पहुंचा, 50% तक डेप्रिसिएशन हुआ, हमारे राज में कितना हुआ, कितना पहुंचा मैक्सिमम 74 जनता का मुद्दा गायब हो जाता है। यहाँ पर अजय जी आपने बोला व्यक्तित्व को लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए चाहे प्रियंका, लेकिन अगर हम 2014 की बात करें हर तरफ मोदी मोदी थे, तब तो बीजेपी ने ऐसा कोई खास काम नहीं किया था, और आज ये बात हो रही है कि अगर कोई युवा नेता सामने जा रहा है और जनता के बीच की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, तो वो कितना सफल हो पाएगा, बात इसकी है। देखिए जो पिछले भी चुनाव में जो हुआ कि बहुत स्पॉन्सर्ड तरीके से मोदी को पेश किया गया और उनको बियॉन्ड द पॉलिटिक्स बियॉन्ड द मुद्दा उनको स्थापित किया गया, बताया गया कि स्वर्गलोक है गुजरात में और अब दिखता है क्या है गुजरात। उसी तरह से हमारा जिला सिर्फ इतना है कि बेशक काबिल नेता हैं राहुल गांधी, संभव है कि वह अच्छी नेता साबित हों प्रियंका गांधी, लेकिन जनता के सवालों पर चुनाव होना चाहिए, वादों पर चुनाव होना चाहिए। जो बात हमारे दूसरे एक साथी गिना रहे थे कि पिछली कांग्रेस की सरकारों में जो वादा खिलाफी हुई, जाहिर तौर पर उस वादा खिलाफी का ही परिणाम था कि 2014 में मोदी कह पाए कांग्रेस मुक्त भारत।
और आज उसी वादा खिलाफी के दम पर कहा, आप भी कह रही हैं गोरखपुर और बनारस का भाजपा मुक्त, ये वादा खिलाफी ही मुक्त कराएगी। मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही हूँ, कपिल सिब्बल ने कहा। सॉरी, तो मान लीजिए कपिल सिब्बल ने कहा होगा। तो मेरा ये कहना है कि मुद्दे ही चुनाव के आसपास होंगे, इसलिए बहसें भी उसी के आसपास होनी चाहिए। और ये जो दोनों नेता उभर कर आए हैं, जाहिर तौर पर दोनों, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के लिए यह एक मुश्किल वक्त है। सिर्फ इसलिए नहीं कि राहुल और सोनिया हैं, बल्कि उन्होंने जो वादा खिलाफी की है जनता के साथ, इसलिए वह मुश्किल वक्त है बीजेपी के लिए। उनकी सरकार में आप देखिए कि उनकी सरकार में SSC की परीक्षाओं में लीक होता है, उनकी सरकार में जो है वो नौकरियों को लेकर भर्तियां नहीं, आपको आपको याद नहीं, इससे पहले कभी लीक नहीं हुआ, पहले तो सब लीक नहीं हुआ। अरे सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपनी बारे में बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हैं ये झूठे आंकड़े देख के ऐसे कर रहे हैं। क्या आप अपनी बात रख रहे हैं? बता दूं, आपको बता दूं कि एग्जाम से लीक मैंने जो कहा वो किया, तमाम चीजें सारे सरकारी भर्तियों की वजह से लोग जॉब्स की बात कर रहे हैं, वहां पे कमान भी आज की इतिहास से बात हो रही है, पहले से भी हुआ है और ये हमेशा प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए की तरफ से जब उनकी घोषणा हुई, वो तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, थे वो ग्राउंड में। प्रियंका गांधी कौन सा संवैधानिक पद पे रही है अभी तक? कौन सा संवैधानिक पद पे रही है? वो तो लोकसभा की मेंबर्स तक नहीं है, SSC की मेंबर तक नहीं है। प्रियंका वडेरा, कम से कम टेस्टेड होना चाहिए ना। आप ऊपर से हवाई नेता को लेके आ जाओगे और ठोक दोगे, मोदी जी तो, मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, टेस्टेड थे ना वो। लेकिन प्रियंका गांधी बचपन से ही आपका जवाब यहीं से लेते। गणेश जी जवाब दीजिए, क्या ऐसा लगता है प्रियंका गांधी को दीपाली उतार दिया गया है? मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि ये शिष्टाचार से बहस होनी चाहिए। अजय जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो एक पत्रकार है, वो बात छोड़िए, वो बात छोड़िए, अभी आप इसका जवाब, अपनी बात रख भैया, जैसे सरकार को सवाल खड़े करते हैं। गणेश जी मेरी बात सुनिए, पहले आप लोगों ने मिर्ची क्यों रखती है सवाल पे? अरे सरकार पे सवाल नहीं खड़े करेंगे क्या? सुनना नहीं चाहते? अरे विपक्ष पे पत्रकार है, सरकार पे क्यों सवाल खड़े करेंगे? इसका जवाब दीजिए, 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, सबने देखा किस तरह बोल रहा है, आज लोग कैसे विश्वास करेंगे उन पे? बोलो बोलो, क्या गणेश जी दत्ता जी का जवाब दीजिए। पूछा ज्ञानेंद्र भाई, मैंने कहा कि कारपेट बॉम्बिंग क्यों, चाहे भाजपा कारपेट बॉम्बिंग करे, कांग्रेस कारपेट बॉम्बिंग करे, ये परंपरा गलत है। ग्राउंड लेवल पे टेस्टेड होना चाहिए ना दत्ता जी। प्रियंका प्रियंका वडेरा, प्रियंका वडेरा अगर लोकसभा चुनाव लड़ती है, जवाब सुनने की बात है दत्ता जी, लोकसभा चुनाव लड़ती है, 14 में चुनाव लड़ती है, मेरे पास जवाब है, जल्दी से अपना जवाब दे करती हूं दत्ता जी, टेस्टेड का जवाब दे रहा हूं, टेस्टेड का जवाब दे रहा हूं। आपने जो बात करी आज, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी टेस्टिंग पता क्या हुई थी? उन्होंने गोधरा में लोग मरवाए थे, उन्होंने इशरत जा का एनकाउंटर करवाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बेबुनियाद सुन लो, सुन लो, मोदी जी को दिशा से बचाने के लिए कुछ आपके परिपक्ष में है या फिर आपके अनुसार नहीं है? ठीक है, लोगों से ज्यादा या अनुसार नहीं है गोधरा कांड को लेकर जेल में कई बार कई मुद्दों पे आ चुका है। ठीक है, बहुत इशरत जहांगीर को सुप्रीम कोर्ट ने खुद आतंकवादी माना है। मेरे पास इतना ही वक्त था, मेरे पास इतना ही वक्त था, लेकिन मूल मुद्दा यहाँ पर अभी भी खोया रहा कि क्या यहाँ जनता के बीच जो नेता जाएंगे, क्या वो इसी बात को लेकर जाएंगे? आगे भी कुछ ऐसा ही चलने वाला है कि जनता की बात कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही ऐसे ही आगे भी देखने को मिलेगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।